हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमने हेलमेट माउंट अपना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था जो कि डिलीवर हो गया है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पैकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके देते हैं लोग। कुछ इस तरीके की बबल पॉलिथीन में रैप होके आया है। माइंड मत कीजिएगा, एक कैमरामैन नया है। ये ऐसे पैकिंग में निकला है गाइस। अभी हम इसको अनलॉक करते हैं। जिप लॉक पाउच है ये। सो गाइस, इसके अंदर जो है ये एक फ़ोन होल्डर। इसको ये देखिए आप, इस स्क्रू दिया हुआ है इसके ऊपर, इसको इसका साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए। फिर उसके बाद ये एक चैनल है, मैं आपको सारी चीज़ें निकाल के दिखाता हूँ। तो इसमें गाइस एक ये है फ़ोन माउंट, उसके बाद ये क्लिप, ये हेलमेट स्ट्रैप जिसको आप हेलमेट पे कसेंगे। इसका मटेरियल काफ़ी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। दो स्क्रूज और एक और गोप्रो माउंट। ये इसका डब्बा, और ये गाइस कुछ इस तरीके से मैंने फ़िट कर लिया है। अभी हम इसको अपने हेलमेट पे बांधेंगे। साइड में रखा हुआ है ऑफिस पार्टी का समोसा। ऑफिस में चल रही है समोसा पार्टी। ये हमारी धन्नू की चाबी। चलना कहीं भी चल। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने हेलमेट माउंट परचेज कर लिया है, और अभी ये ट्रायल वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। हेलमेट माउंट परचेज करने के बाद मैंने अपने हेलमेट में फोकस कर लिया हेलमेट माउंट, और अभी एक ट्रायल वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखता हूँ कि कैसा क्या फीडबैक है इसका, कैसा ज़्यादा स्टेबल है नहीं है। वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स किया है, तो मुझे लगता है कि देखने में तो मुझे लग रहा है कि स्टेबल है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। और अभी मैंने इसमें जो फ़ोन यूज़ किया है वो भी मैं अपना आईफोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सैमसंग मैंने इसमें यूज़ किया है। अभी मेरे पास सैमसंग एक ही है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। स्टेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों इसकी। और अभी प्लान चल रहा है माइंड में, मैं और मेरे फ्रेंड हैं, दोस्तों सोच रहे हैं आज रात में बंगला साहिब जाने के लिए, इसलिए मैं ऑफिस से भी आज टाइम पर निकला हूँ। तो देखते हैं, अभी मैं उसको कॉल करूँगा। मैंने उसको कॉल किया था, मैं आपको एक बार और कॉल करके देखूँगा। जब फोन हो गया तो चलिए बजट में घर आपको सो जाए, और मिलेंगे आप लोगों से सुबह। स्टेबिलिटी तो एकदम बढ़िया है इसकी, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, और ठीक है, अच्छा स्टेबल है, काफ़ी रिलायबल है। जिस प्राइस रेंज में मैंने लिया है उसमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, और काफ़ी इसका फ़ायदा एक और है कि आपको डिस्प्ले, आप देख सकते हो डिस्प्ले में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपका एंगल चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो
मैंने तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में भी फिट किया हुआ है, हालांकि मुझे लग रहा है कि मैंने राइट साइड से जो इसका पोर्शन है वो थोड़ा लूज छोड़ दिया है, बट मैं इसको एक बार फिर से देखूंगा ट्राई करके और टाइट करने का, हालांकि अभी तक तो ये। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर पे, हमारा प्लान बना है बंगला साइड जाने के लिए रात में। अभी मैं अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से उसकी स्कूटी उठाएंगे, मेरी स्कूटी और उसकी स्कूटी, हम तीन लोग हैं जाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पहुँचते हैं फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है, आगे वीडियो में आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा प्लान बन रहा था बंगला साइड जाने का, किसी रीज़न की वजह से कैंसिल करना पड़ा और अभी वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आधे रास्ते से वापस आना पड़ा हम लोगों को। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, हम दो स्कूटी से जा रहे थे, तो एक स्कूटी और थी हमारे पास एंटॉर्क, वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये सब तो लाइफ में चलता रहता है। अभी हम सोच रहे हैं, देखते हैं, हम कल जाएंगे, आज का तो प्लान कैंसिल, इस बार जा रहे हैं घर। टेक मारना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, पर अब देख लेते हैं, अच्छा पिकअप देती है हमारी स्कूटी भी, कभी महसूस नहीं पड़ जाती है कि बाइक पर चल रहे हैं, स्कूटी पर चल रहे हैं। थोड़ा सा गियर डेंगे आना है, वो कैमरा ऊपर कर देते हैं आपके लिए, तो आपको हेलमेट फोन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं इसको। अपने घर इधर ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।